तो इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोग्राम में डेटा को पढ़ने एवं आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है इनपुट आउटपुट फंक्शन दो प्रकार के होते हैं एक फॉर्मेटेड फंक्शन होता है एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन होता है फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं जैसे स्कैन हो गया प्रिंट हो गया ये फॉर्मेटेड फंक्शन होता है स्कैन एफ़ किस काम के लिए आता है स्कैन एफ़ इनपुट के लिए होता है और प्रिंट एफ़ आउटपुट के लिए होता है अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं जैसे गेट सी एच हो गया गेट सी एच ई हो गया गेट सी एच आर हो गया पुट सी एच आर हो गया फिर पुट सी एच ए आर हो गया तो जो ऊपर तीन फंक्शन हैं वो इनपुट फंक्शन के लिए होता है और जो नीचे के दो फंक्शन हैं ये आउटपुट देने के लिए होता है अब स्कैन एफ़ का क्या काम होता है ये एक फंक्शन है जो डेटा को पढ़ता है और यूज़र से इनपुट लेता है जैसे कि एक एग्जांपल में लिखा हुआ है इंट ए और स्कैन एफ कोट परसेंटेज डी फिर कॉमा फिर एड्रेस ऑफ ए तो मतलब इस एड्रेस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ये यूज़र से एक इनपुट ले रहा है इंटीजर टाइप का अब प्रिंट एफ़ का क्या काम होता है आउटपुट को प्रिंट करवाना या स्क्रीन पर दिखाने का कार्य करता है कोई भी आउटपुट को प्रिंट करवाना या स्क्रीन पर कोई मैसेज दिखाना प्रिंट एफ का काम होता है अब जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ड ये हमें एक मैसेज दे रहा है प्रिंट एफ अब एक प्रिंट एफ कोट परसेंटेज डी ए इक्वल्स टू फाइव अब ये क्या कर रहा है कोई वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है तो प्रिंट के दो काम हो गए एक तो मैसेज प्रिंट करवाना और कोई आउटपुट प्रिंट करवाना गेट सी का क्या क्या काम होता है गेट सी का काम होता है कीवर्ड द्वारा दिए गए इनपुट में एक करेक्टर पड़ता है अगर आप कीवर्ड से कोई एक इनपुट देते हैं तो वो एक इनपुट पढ़ करके टर्मिनेट हो जाता है गेट सी एच ई का क्या मतलब होता है ये गेट सी एच की तरह ही काम करता है गेट सी एच ई गेट सी एच की तरह ही काम करता है बट इनपुट जो हम देते हैं इनपुट कैरेक्टर हम जो की बोर्ड से देते हैं वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जो भी हम इनपुट कैरेक्टर अपने कीबोर्ड से देते हैं वो स्क्रीन पर दिखाता है गेट सी एच ई देन गेट सी एच आर का क्या मतलब होता है ये केवल एक ही करेक्टर को इनपुट लेता है ये कई करेक्टर हैं अगर आपने मान लो ललित टाइप कर दिया या कुमार टाइप कर दिया कोई एक पूरा वर्ड टाइप कर दिया लेकिन ये एक ही करेक्टर को लेता है चाहे पूरी लाइन ही आपने क्यों ना टाइप कर दी हो तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में होता है जैसे कैरेक्टर एक्स लिख दिया हमें एक हमने डेटा टाइप बनाया कैर और फिर हमने कैर टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया एक्स अब गेट सी एच ई से हमने कोई एक इनपुट दिया और उसको हमने एक्स में स्टोर कर लिया तो मान लीजिए हमने इनपुट दिया बी वन तो हमने एक्स में उसको स्टोर कर लिया तो वो बी वन स्टोर नहीं होगा वो ओनली ए की वर्ड स्टोर होगा जो कि बी और वो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा देन पुट सी एच का क्या मतलब होता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को कीबोर्ड से रीड करता है और स्क्रीन पर शो करता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर कौन से हो गए जो स्पेशल कीज होते हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की वर्ड होता है जैसे कैर सी एच हो गया ये हमने एक वेरिएबल ले लिया अब गेट सी एच ई की मदद से हमने एक इनपुट ले लिया कीबोर्ड से और उसको हमने सी एच में स्टोर करवा लिया ठीक है मान लीजिए मैंने ए लिया ए हमने कीबोर्ड से टाइप किया और गेट सी एच ई में ले लिया गेट सी एच ई से हमने सी एच में कॉपी कर लिया ठीक है फिर अब हम पुट सी एच की मदद से उसको हम प्रिंट करवाएंगे तो पुट सी एच की मदद से हमने उसको प्रिंट करवा दिया सी एच लिख करके तो अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर में जैसे स्पेशल सिंबल हो गया और भी मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर हो गया मान लीजिए स्मॉल कीवर्ड स्मॉल अल्फ़ाबेटिक वर्ड हो गया और कैपिटल कैपिटल अल्फ़ाबेट वर्ड होगा ये सब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में आते हैं पुट सी आट सी एच आर का क्या मतलब होता है कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाता है स्क्रीन पर शो भी करता है जैसे कि कैरेक्टर uh, वेरिएबल क्या हो गया जैसे कि अब uh, जैसे कैर टाइप का हमने एक डेटा टाइप लिया उसमें सी एच में मैंने वन उसको मैंने स्टोर कर दिया मान लीजिए कैर टाइप का हमने डेटा टाइप लिया और हमने सी एच में स्टोर कर दिया वन अब पुट सी एच आर क्या करेगा उसको फिर वो प्रिंट करवा देगा जो भी सी एच में स्टोर है तो वो स्क्रीन पर शो करने के लिए पुट सी एच आर का हम यूज़ करते हैं देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं जो भी हम इनपुट के लिए जो भी हम चीज़ें कीबोर्ड से लेते हैं उसमें हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं जैसे कि जब हम स्कैनएफ़ यूज़ करते हैं तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है तो कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं देखते हैं कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिसको हम परसेंटेज सी से डिनोट करते हैं फिर एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिसको हम परसेंटेज डी से डिनोट करते हैं फिर अनसाइंड इंटीजर होता है अनसाइंड इंटीजर मतलब ये होता है कि जो निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है उसको अनसाइड इंटीचर बोलते हैं तो अनसाइंड इंटीचर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया परसेंटेज यू फ्लोट टाइप की जो वैल्यू डेसिमल uh, में होती है उसको परसेंटेज एफ से हम डिनोट करते हैं फिर डबल हो गया जो पॉइंट के बाद कई वैल्यू ले सकता है सेवनटीन वैल्यू तक पॉइंट के बाद सेवेंटी वैल्यू सेवनटीन वैल्यू तक ले सकता है उसको हम परसेंटेज एल एफ से डिनोट करते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि प्रिंट एफ करवाते वक्त इसको हम यूज करते हैं अब कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से होते हैं कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे परसेंटेज सी हो गया परसेंटेज तो सी एक कैरेक्टर स्पेसिफायर है अब जैसे हमने सी एच आर लिया ये कैरेक्टर हो गया सी एच उसका वेरिएबल हो गया अब स्कैन एफ फिर परसेंटेज सी कॉमा एड्रेस ऑफ सी एच अब हमने एक कैरेक्टर ले लिया की से या यूजर से हमने एक कैरेक्टर लिया और फिर उसको हमने प्रिंट करवा दिया तो इसमें इस स्पेसिफायर्स यूज़ हुए हैं कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए अब इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से होते हैं जैसे परसेंटेज डी है अब हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया फिर स्कैन स्कैन ऐप से मदद से हमने कीबोर्ड से एक इनपुट लिया या यूजर से हमने एक इनपुट लिया परसेंटेज डी लगा करके तो परसेंटेज जो डी लगा हुआ है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं या इंटीजर इन, वैल्यू को स्कैन uh, एफ करवाने के लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं अनसाइन इंटीजर कौन से होते हैं जैसे कि परसेंटेज यू हो गया ये अनसाइनड इंटीजर होते हैं जो निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं तो ये उस तरीके का फॉर्मेट है इसमें नेगेटिव इंटीजर स्टोर नहीं होती है ठीक है हमने क्या किया अनसाइंड इंट आई करके एक हमने वेरिएबल ले लिया ठीक है स्कैन ऐप से हमने यूज़र से एक इनपुट ले लिया एड्रेस ऑफ आई ठीक है अब हमने प्रिंट करवा दिया उसी को आई को हमने फिर से प्रिंट करवा दिया जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया उसको फिर हमने आई से प्रिंट करवा दिया तो इसमें भी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हुआ है तो हर जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं या हम प्रिंट करवाते हैं फ्लोट स्पेसिफायर परसेंटेज डी परसेंटेज एफ अब फ्लोट हम फ्लोट टाइप की हमने एक वैल्यू ले ली स्कैन एफ करवाया हमने यूज़र से एक इनपुट लिया फिर हमने प्रिंट करवा दिया उसको तो इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हुआ है अब डबल स्पेसिफायर जैसे परसेंटेज एल एफ तो हमने डबल टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया फिर हमने उसको स्कैन किया यूज़र से मतलब इनपुट लिया हमने और फिर उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं तो ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर देन एड्रेस ऑफ क्या होता है जैसे कि जब हमने कोई एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक जब हम कोई इनपुट लेते हैं यूज़र से या कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं तो ये एस टाइप का एक सिंबल होता है उसको हम एड्रेस ऑफ बोलते हैं ठीक है तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो इसका मतलब ये होता है कि आई वाले ब्लॉक के एड्रेस में डेटा को स्टोर कर दो जो हमने इंटीजर uh, हमने लिया है या हमने जो भी डेटा uh, टाइप का हमने वेरिएबल लिया है उस वाले ब्लॉक में जा कर के जो भी हम इनपुट कीवर्ड्स दे रहे हैं उसमें जा कर के स्टोर हो जाओ एड्रेस ऑफ मतलब का एड्रेस ऑफ़ का मतलब ये होता है ठीक तो है जब हम डेटा इनपुट लेते हैं तो एड्रेस ऑफ़ की ज़रूरत पड़ती है जब हम डेटा इनपुट लेते हैं यूज़र से तो हमें एड्रेस ऑफ़ की ज़रूरत होती है प्रिंट करवाते वक्त एड्रेस ऑफ़ की ज़रूरत नहीं होती जब हम कोई भी डेटा प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पर तो हमें एड्रेस ऑफ़ की ज़रूरत नहीं होती सो थैंक यू